हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों, आज हूँ मैं वारंगल में काजीपेट के दरगाह के पास। तो मेरे साथ है मेरे भाई, तो हम लोग दोनों मिलके यहाँ पे आए हैं। तो अभी ज़ियारत के लिए अंदर जाने वाले हैं, तो अंदर जाके शूट करने का यहाँ पे इजाज़त नहीं है, लेकिन आपको बाहर से मैं ज़ियारत करूँगा। तो आप लोग इस ब्लॉग के ज़रिए यहाँ की दरगाह शरीफ कैसी है देख सकते हो। तो बने रहना आज के ब्लॉग में, चले गए अंदर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग ने ज़ियारत कर ली है और देख सकते हो दरगाह के अंदर किस तरह का एरिया है। जो भी है, आपको इस वीडियो में मैं ज़्यादा नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं है वीडियो एंड फोटोग्राफी। सो कुछ इस तरह का अंदर से आपको देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग ने ज़ियारत कर ली है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं कबूतरों को दाना डालने के लिए। तो कबूतर के लिए हम लोगों ने जवारी ली है, तो चलिए अभी हम लोग दाना डालते हैं, उसके बाद आपको बाहर का भी लोकेशन बताऊँगा। तो यहाँ पर हमारे भाई कबूतरों को दाना डाल रही, लेकिन कबूतर पूरे ऊपर बैठ के अभी आ रहे हैं हल्लो हल्लो कबूतर। तो फ्रेंड्स, अभी मैं भी थोड़ा दाना डाल रहा हूँ, तो देख सकते हो कितने कबूतर आ चुके हैं यहाँ पे। दोस्तों देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे कबूतर दाना खा रहे हैं और हमारा दाना भी खत्म हो चुका है। तो अभी हम लोग बाहर के साइड चलते हैं, तो कुछ इस तरह से बाहर का आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ पे हज़रत का नाम भी देख सकते हो आप, हज़रत सैयद शाह अफजल बियाबानी सरकार रहमतुल्लाह अलैह हैं। तो अभी मैं बाहर आ चुका हूँ, यहाँ पे बहुत धूप है। सो दोस्तों, अभी आपको एक बार रेलवे ट्रैक पे भी बताता हूँ रेलवे ट्रैक कैसा है यहाँ पे। तो देख सकते हो मेरे पीछे बारगाह शरीफ है। अभी मैं बाहर हूँ, ये वारंगल डिस्ट्रिक्ट और काजीपेट में आपको देखने को मिलेगा। पीछे देख सकते हो ट्रेन आ रही है, देखिएगा। तो आज देख सकते हो किस तरह से स्पीड यहाँ से गई, तो बहुत ही मजा आया ट्रेन को देखने में। चलिए अभी बहुत भूख लग रही है, तो जाते हैं होटल में और खाना वगैरह खाते हैं, उसके बाद निकलते हैं हम लोग घर के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने पूछा यहाँ पे होटल नहीं है कहते, तो हम लोग अभी ऑटो में आए थे, तो यहाँ से ऑटो लेके चलते हैं। थोड़ा सिटी के अंदर जाना पड़ेगा, तो होटल वहाँ पे है, तो वहाँ पे खाना वगैरह खा लेंगे। तो हमारे करीम भाई वीडियो में आ बोल तो नहीं आ रहे थे, तो अभी बहुत बोलने के बाद अभी यहाँ पे हमारे करीम भाई आ चुके हैं। हाय। तो चलिए हम लोग अभी मिलके चलते हैं। तो ये रहा हमारा ऑटो, यहाँ पे देख सकते हो। तो ये देखिए गाइस, अपन ऑटो भी चलाते तो आर ड्राइविंग से अपने को आते हैं। चलो आ जाओ करीम भाई। अभी हम लोग ऑटो लेके निकल चुके हैं, तो हमारे भाई साहब जरा वहाँ पे दुकान वालों से बात कर लेते बैठे। तो चलिए अभी हमारे भाई को ले लेके यहाँ से अपन चलेंगे सीधा होटल को। तो हमारे भाई भी आ चुके हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हमारे भाई साहब आप लोगों को सलाम बोल रहे हैं। तो चलिए अभी हम लोग होटल ढूंढने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे होटल अभी करीब में नहीं है। फ्रेंड्स, होटल के लिए हम लोग इधर से उधर फिर रहे हैं, अभी मैं पूछ के आए और आगे बोल रहे होटल, तो अभी हम लोग और आगे जा रहे हैं छोटी मस्जिद के पास। इतना फिरना पड़ता है, फिरते फिरते दिमाग खराब हो जा रहा है, पहले दोनों की भूख लग रही है। बिरयानी खाने के वास्ते नहीं बोलते, 5-6 किलोमीटर फिर लिया और होटल देखने का नाम नहीं मिल रहा। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग खाना खा के जा रहे थे, तो यहाँ पे एक प्लांट्स की शॉप दिखी, तो हम लोग यहाँ पे प्लांट्स लेने के लिए रुक गए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे प्लांट्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो करीम भाई भी आप पीछे देख सकते हो प्लांट्स ले रहे हैं, तो वहाँ पे उन्होंने एक फ्लावर का प्लांट चॉइस करे, तो मैं भी एक लिया, उन्होंने भी एक लिया अलग अलग कलर में। तो और मैं और प्लांट्स देख रहा हूँ, तो मुझे जो जो पसंद आता है मैं वो लेता हूँ। और मैंने थोड़े एक्सेसरीज भी लिए हैं वहाँ पर, तो यहाँ पर बाजू की आपको एक्सेसरीज की भी शॉप है, मतलब प्लांट्स को जो हम लोग लगाते हैं। ये वाले प्लांट्स देखिए गाइस, कितने यूनिकली है और कितने छोटे क्यूट दिख रहे हैं आपको। और ये वाला तो मनी प्लांट है, ये पता नहीं कौन सा प्लांट है गाइस। और यहाँ पे आपको एक मैं प्लांट बताऊंगा, ये तो बहुत यूनिक दिखा मुझे, पता नहीं समझ में नहीं आया ये क्या है, देख सकते हो गाइस। तो कुछ इस तरह के प्लांट्स यहाँ पे अवेलेबल है।
दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे एक्सेसरीज भी आपको मिल जाएंगे। तो हम लोग ने थोड़ी एक्सेसरीज और थोड़े प्लांट्स यहाँ पे खरीदे हैं, तो मैं अभी बताता हूँ आपको हम लोगों ने क्या क्या खरीदा। तो देख सकते हो गाइस, हम लोगों ने ये प्लांट्स लिए हैं और कुछ इस तरह के हमने एक्सेसरीज भी खरीदी जो कि प्लांट्स लगाने के लिए काम आता है। तो घर पे ऑलरेडी मेरे थोड़े वो प्लांट्स लगाए हुए हैं, तो इसमें ये मैं और मिक्स करना चाहूँगा। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं घर के लिए, तो ऑलरेडी बहुत देर हो गई। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।